शुक्र है कोई गाड़ी गुड़ी नहीं आ रही थी। ये अभी कनिका ने भेल पूरी बनाई है, इसको भेल कहते हैं। तो इसमें कनिका ने बहुत कुछ डाला है, प्याज टमाटर हल्का सा नींबू भी लग रहा है, खीरा भी लग रहा है। तो मैंने नहीं बनाई इसलिए मैं मेरे को जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ आपको, और बहुत टेस्टी बनी है। मैं अभी कनिका से पूछूंगी कैसे बनाई है, लेकिन बहुत टेस्टी बनी है। खाने में इतना टेस्ट आ रहा है, मैंने पहली बार खाई है, मतलब बाहर की तो मैंने खाई है, घर में कभी नहीं बनाई, तो पहली बार बनी है। तो फिर कनिका ने बना के मुझे दिया, अगर मम्मी खा के देखो, बहुत टेस्टी बनी है। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, तो बस अभी मैं गैलरी में, कहीं यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। तो बस मैंने कंघी वगैरह कुछ नहीं की, इसमें फ्रेश हुई हूँ। तो आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का मौसम जैसे बहुत अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है, मतलब तपिश तो है, धूप नहीं है, पर ठीक है। ये देखिए धूप नहीं है, मौसम ऐसे हो रहा है, लेकिन तपिश है, मतलब तपिश अभी भी आ रही है। और ये रही मेरी छोटी सी गैलरी जो हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा अमरूद का पौधा, मैंने इसमें ये ना झुक रहा था, मैंने इसमें डंडा वगैरह लगा के ना सीधा कर दिया है। मतलब जब अमरूद आएंगे तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। चाय मैंने पी ली है, डॉग का खाना भी चला गया है, बस अपने डॉग को खाना देना है। तो बस उनके लिए भी अभी बना के आई हूँ। अब डोंगे उनके कमरे में रखे हैं, तो ये रहे मेरे शैतान बच्चे, मैं आपको दिखाऊँ, बहुत शैतान है, टिक के नहीं बैठते बिल्कुल भी, शोर मचाते हैं। शैतान बेटी पुच्चू और ये रही मेरी पुत्ती, बहुत शरारती हैं। ये देखो मूड के हैं, मूड होगा तो खेलेंगे, मूड होगा तो बात करेंगे। ये देखो आज मूड में है तो खेल में है, देखो। और ये देखो मैंने इनका खाना बेड पे इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि ये नीचे रखा होगा तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, मैंने बेड पे इसलिए रखा है, खा लें तो मैं कट दूंगे फिर नीचे रख दूँ। मोहनलाल जी जा चुके हैं, उनको नाश्ता बना दिया था, वो चले गए थे, तो बस मैंने कमरा साफ किया, फिर मैं फ्रेश हुई, तो अब अपने लिए कुछ बना रही हूँ। हमने बनाई थी कल रात को आलू बैंगन की सब्जी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो कनिका ऑफिस गई हुई है, मोहनलाल जी भी चले गए, मेरे लिए भी सब्जी रखी है, तो मैं उसी के साथ परौंठी या रोटी जो भी होगा बना लूँगी। तो बस मैं वही बनाने लगी थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आलू बैंगन की सब्जी डोंगे में मेरे लिए काफ़ी है ना, पे बस अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ अपने लिए। मैंने आटा निकाला है, मैंने अपने लिए नमक की दो परौंठी बनाई हैं, और ये सूखी सब्जी है, और मैंने इसके ऊपर रख ली क्योंकि मुझे ऐसे खाना बहुत अच्छा लगता है परौंठे के ऊपर रख के। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था, सूखी सब्जी जैसे साग हो, भरथा हो, कोई भी सूखी सब्जी हो, नमक की परौंठी के साथ बहुत टेस्टी लगती है, और नमक की परौंठी के ऊपर रख के खाने में और टेस्ट आता है। तो मैंने बस दो परौंठे बनाए, तो मैंने ऐसे किया, तो बस मैं नाश्ता नहीं कर रहा था तो इसलिए मैंने दो परौंठे बना ली, अभी ये खा लेती हूँ, अगर भूख लगेगी तो शाम को फिर स्नैक्स वगैरह खा लेंगे, तो मेरे लिए इनफ है अभी। तो खाते हैं खाना परौंठी। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो कुछ सामान चाहिए था, तो मैंने कहा मैं खुद ही जाके ले आती हूँ, थोड़ा पैदल भी घूम लूँगी, मौसम का भी आनंद ले लूँगी मैं अभी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए जा रही हूँ। तो मैं कहा घूम के ही आती हूँ तो आपको भी दिखाती हूँ। घूमना अच्छा होता है ना, थोड़ा सा घूम लेना चाहिए, सारा दिन पड़े पड़े और मोटे हो जाएंगे, घूमना होना चाहिए। पैदल चलते चलते मैं बिल्कुल मेन रोड के पास आ गई हूँ, पता भी नहीं चला मेन रोड के बिल्कुल पास आ गई, क्योंकि दुकान यही है जो सामान लेना है मुझे, पता भी नहीं चला। पैदल चलना चाहिए, अच्छा लगता है। सब्जी लेने गई थी, सब्जी नहीं मतलब मेन चाहिए थी मुझे, टमाटर और प्याज अदरक वगैरह नहीं थी, हरी मिर्च, तो रेडी वाला सुबह सुबह आता है तो पता नहीं चलता, तो बहुत महंगी सब्जियाँ हो गई हैं, टमाटर वगैरह प्याज 120 रुपये किलो, टमाटर 120 रुपये किलो लाई हूँ, और प्याज 60 रुपये, और क्या नाम है अदरक 80 रुपये पाओ। अब इनके बगैर सब्जी नहीं बनती, क्या करें, मजबूरी है, लेना तो था ही, तो मैं बस अभी लेके घर वापस जा रही हूँ। तो अगर रेडी वाले नहीं आते तो हमारी यहाँ दुकान है, तो जाके खुद ले आते हैं, थोड़ा मैं पैदल भी चल ली, अब बस वापस जा रही हूँ घर। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, बड़े बड़े, और शांति बहुत है, मेन हरियाली है, शांति है, सबसे बड़ी बात है कि शांति बहुत है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, घर की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का माहौल इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो मुझे रास्ते में सुंदर सा बच्चा मिला, घूम रहा था, मैंने इसको प्यार किया तो ये मुझे और प्यार करना चाहता है, देखो कितना ये भी प्यार मांगते हैं, इनको खाने पीने का नहीं होता, इनको प्यार के एक बार सिर्फ थोड़ा सा हाथ फेर दो ना इनके सिर पे तो ये बस अपना बना लेते हैं। लोग नहीं समझते, लोग नहीं समझते, लोग मारते हैं, पता नहीं कैसे हिम्मत करते हैं, मेरे को समझ नहीं आती,
मैं तो देख भी लू ना रास्ते में, अगर किसी डॉग को किसी ने कुछ कहा है मैं तो वहीं खड़ी हो जाती हूँ लड़ने के लिए। इनके लिए तो मैं स्टैंड ले लेती हूँ। अच्छी बात है, कोई तो करता है। हाँ बिल्कुल, होने चाहिए। क्या नाम है इसका? माइलो। माइलो, हेलो माइलो। हाय, देखो कितना प्यारा है। ये देखिए, ये जरा सी सब्जी, ये टमाटर 1 किलो, 1 पाव अदरक, 1 पाव हरी मिर्च और 1 किलो प्याज और 2 मैंने बैंगन लिया। ये 4 चीजें, 5 चीजें आपको आई हैं 310 रुपए में। कितनी महंगाई है, टमाटर ने तो हद ही कर दी, 120 रुपए किलो और प्याज 60 रुपए किलो। आज मैं बना रही हूँ लोबिया। मैंने लोबिया उबाल लिया था, मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद मैंने तड़का बनाया, तड़का वैसे सिंपल जो घर में बनाती हूँ वो बना के मैंने लोबिया मिक्स कर दिया और थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं इसको 2 या 3 सीटी दिलवा दूंगी। पहले लोबिया मैं बनाती थी तो मैं भिगो के रखती थी पहले, तो उसमें ना थोड़ा सा कच्चापन सा आता था। तो अब मैं पहले लोबिया को उबाल लेती हूँ, उबालने से वो गल जाते हैं ना तो फिर टेस्ट अच्छा आता है। तो पहले मैंने लोबिया को उबाल लिया, अब मैंने तड़का लगा दिया और उसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया थोड़ा सा, और 2 सीटी और दिलवाऊंगी तो हमारा लोबिया बन जाएगा। गर्मी बहुत है, मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि घर में नाइट सूट पहन के थोड़ा अच्छा लगता, अच्छा फील होता है, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया था। मोहनलाल जी काम पे गए थे, पहले उत्तम नगर जाते हैं, वहाँ से वो प्रेस है ना, वहाँ से सामान बनवाते हैं, तो उसके लिए उत्तम नगर गए थे। अभी मेरे को बताने, पहले तो मेरे को बताया नहीं, अभी मैंने फ़ोन किया। फ़ोन तो मैं 2-3 बार पहले भी कर चुकी लेकिन मुझे फिर भी नहीं बताया, तो अभी बता रहे हैं कि मैं आज है ना चलते चलते गिर गया तो कह रहे मुझे पता नहीं चला मैं कैसे गिर गया, और कह रहे बस मेरी कोहनी पे लग गई है और थोड़ा सा पैंट भी फट गई है। भाई शुक्र है कि हाथ की हड्डी टूटने से बच गई है, तो मैं बस थोड़ा संभल गया, वहाँ लोगों ने मुझे उठा लिया। कह रहे शुक्र है पीछे से कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं आ रही थी, तो रोड पे ऐसे चल रहा था तो मैं गिर गया। अब मुझे टेंशन हो रही है, मैं कहाँ आई तो मैं कुछ देखूँ कि ज़्यादा तो नहीं लगी। कह रहे मेरी पैंट भी थोड़ी सी फट गई, थोड़ी सी कोहनी पे हल्की सी लगी है लेकिन ज़्यादा नहीं लगी, बस मैं बच गया आज। तो बस मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ, मैं टेंशन में थी तो आप लोगों से शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को बता के मेरा दिल हल्का हो जाता है। तो अभी आ जाएं तो फिर मैं देखती हूँ। मोहनलाल जी काम से आ गए तो बस मैंने खाना खा लिया था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, भूख भी लग रही थी, दूसरा कनिका भी थी, कनिका के साथ मैंने खा लिया था। तो बस मोहनलाल जी को खाना डाल के दिया अभी, तो मोहनलाल जी खा रहे हैं। सही बने लोबिया? बढ़िया है, ठीक बने। तो मैंने कहा कोई नहीं आप खाना खा लो, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ, गिर कैसे गए? तो देख के नहीं चल सकते थे? देख के चल रहा था। लगी तो नहीं है कहीं ज्यादा? नहीं नहीं कहीं नहीं है। नहीं, पैंट फट गई? कोई बात नहीं, कोनी पे लगी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कि बचाव हो गया, ज्यादा नहीं हुआ लगता रहता है तो चीजें। जैसे रस्सी से रस्सी होती है ना, पैर अड़ गया होगा उसके अंदर, एक पैर अड़ा, दूसरा पैर पीछे अड़ा, उससे पूरा गिर गया। शुक्र है कोई गाड़ी गुड़ी नहीं आ रही थी तो बच गए ना। बस ये टेंशन, मेरे को टेंशन हो गई, तुम्हारा फोन आया ना, टेंशन हो गई थी, मैंने कहा ये क्या हो गया। ये चीज टूट गई, बाकी लगी चोट तो नहीं है ना कहीं? ना, ना चोट नहीं, जरा से थोड़ी सी तो रोड़ी है, वो तो हो ही गया ना, बस और कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो तुम घर आ जाते ना वापस, काम पे क्यों चले गए थे? फिर क्या हो गया है? कुछ नहीं, तो तुमने, मैंने जब फोन किया था तब तो नहीं बताया, तुमने शाम को क्यों बताया? उस टाइम बताना चाहिए था ना, तो मैं बोल देती घर आ जाते। ठीक है ना सब? हाँ सब ठीक है।